एक मूर्ति दैत्यों की काली शक्ति प्रबल, एक मूर्ति दैत्यों की काली शक्ति प्रबल, और दूसरी ओर ही देव शक्ति उज्ज्वल, और दूसरी ओर ही देव शक्ति उज्ज्वल। देवदान बोले क्या कब समुद्र मंथन, देवदान बोले क्या कब समुद्र मंथन, विश्व लेकर अमृत तक मेरे रतन नंदन, विश्व लेकर अमृत तक मेरे रतन नंदन, मेरे रतन नंदन, मेरे रतन नंदन। युगों से यही होता आया है, मंथन के बाद ही अमृत मिल पाया है। जब मंथन से मन का विष निकलता है, प्राण ऊर्जा का अमृत तभी मिलता है। तो क्या इस मंथन के लिए मुझे तप करना होगा गुरुदेव? नहीं बस, इसके लिए स्वयं को जानना होगा, आत्ममंथन करना होगा। होठों पर मुस्कान खिलानी है तो जीवन को उत्सव की तरह जीना होगा। कष्टों के बीच जब मन कमल सा खिलेगा, तब सबको सुख देने वाला प्राण ऊर्जा का अमृत मिलेगा, और ये अमृत तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जहां उसने देखा
गंगा, अरे ओ गंगा। तने जोर से कहा, हम भी तो सुने। Thank you.
से आया हूं वहां लोग कष्टों से हाल बेहाल है, लेकिन यहां तो हर तरफ खुशियों का वास है। तुम्हारे स्वरों में उमंग है, चेहरे पर प्रसन्नता के रंग है। कभी यहां भी दुख था, बदहाली थी, भूख, बीमारी और लाचारी थी, पर हमने जीवन जीना सीखा है। अब हमारे उत्साह के सामने हर कष्ट का रंग फीका है। हालात बदलने का भेद हमने जाना है, आत्मा की शक्ति को हमने पहचाना है। जीवन में हर पल को उत्सव बनाना है, विष को बाहर करके अमृत को पाना है। ये बात हमें गुरुदेव ने बताई थी, समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी। गुरुदेव ने कहा था, सोचो कहां तो देव और कहां दानव, कहां उजाला और कहां अंधकार, कहां निर्माण के झिलमिलाते सपने और कहां विनाश का नाच, पर दोनों एक साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही वो पहली और अंतिम बार था जब देव और दानवों ने अपनी अपनी शक्तियों के साथ मिलकर कुछ किया था, एक साथ क्षीर सागर को मथा था, तब संसार को अमृत मिला था। फिर वही मंथन की कथा। हाँ, वही मंथन की कथा जिसने दूर की हमारी व्यथा। मंथन की कथा सुनाकर गुरुदेव ने कहा था, प्रयत्नों की मथानी से अपने दुखों का मंथन करो, तभी जीवन से बाहर निकलेगा निराशा का हलाहल और प्राप्त होगा आनंद का अमृत कलश। आह, जान गया आचार्य, प्राण ऊर्जा का जागरण मार्ग। अब ये मार्ग सबको दिखाऊंगा, समुद्र मंथन की कथा जग को सुनाऊंगा। जीव कुंभ में जगत कुंभ में सृष्टि कुंभ समाहित, कर कर में जड़ चेतन में, कर कर में जड़ चेतन में कुंभ कुंभ समाहित। Yeah.
सर सबको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे, आप जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं टीम के टीम लीडर को बुलाना चाहता हूं, वो अपनी टीम के लिए दो शब्द आकर मंच पर कहें। नमस्कार। जय मां गंगे, जय मां यमुने, जय मां सरस्वती। कुंभ पर्व दिव्य पर्व, और जैसा कि आपने इस नाटिका में सुना
जीवन जीने का ये विज्ञान है, परम तत्व से मिलने का ये ज्ञान है। हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं, इन सभी ने अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति से इस नाटिका का निर्वहन किया, कुंभम कुंभ समाहित। और हमारी जो निर्देशिका रही राजुल, उन्होंने भी बहुत मेहनत की बच्चों के साथ, और इन बच्चों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, जितनी हम उम्मीद करते थे उससे भी ज्यादा। इन सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इन्हें बधाई देते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हम ये इसी तरह से इन सभी के साथ एक और किसी नई अपनी कल्पना, एक नए चित्र के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर होता है। अक्षयवट मंच पर निरंतर 4 मार्च तक कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इसी तरह मंच पर आए और कार्यक्रमों का आनंद लें। धन्यवाद।